नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं कासिंग रावत आपके साथ। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 3 मार्च द्वितीय पाली का समाप्त हो गया है। आज जो प्रश्न पूछा गया है उसका मैं 100% सही एक्यूरेट आंसर की आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। उससे पहली बात, आप सभी के लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर आपका परीक्षा आज हुआ है तो आप भी हमें अपना प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप प्रश्न को भेज सकते हैं, ताकि और भी छात्रों तक हम वीडियो के माध्यम से उसका सही उत्तर की और परीक्षा का जो मॉडल है, किस प्रकार से पैटर्न फॉलो हुआ इस बार, वो हम आपको दिखा सकें और भी छात्रों को दिखा सकें। तो इसलिए प्रश्न को भेजिएगा, और अगर आपका अगले डेट में परीक्षा है किसी और डेट में, तो भी आप व्हाट्सएप पर उस दिन परीक्षा का जो क्वेश्चन रहेगा उसको भेजिएगा, ताकि छात्रों का जो है वो हेल्प हो सके। तो आपसे मैं एक विनम्र निवेदन करता हूँ, और जो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो है आपका 3 मार्च द्वितीय पाली का जो आज प्रश्न पूछा गया है उसका एक्यूरेट आंसर की। आपको बता दें, परीक्षा का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था, यानी कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा आपका इजी था, आपका परीक्षा का लेवल मॉडरेट था। तो अगर ऑल ओवर अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी तो आई होप कि आपका स्कोर भी अच्छा ज़रूर होगा। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2020 3 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया है, जो छात्र ने हम तक भेजा है, वही हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पहला जो प्रश्न है वो क्या है, और उसके बाद जो है किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको सभी कुछ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका क्या है। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो आपका है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर रहता है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जो भी छात्र हम तक क्वेश्चन प्रोवाइड कराएँ उसके माध्यम से ही आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार जो किस कारण से होता है, जो आपका जो वर्षा होता है उसका जो बूंद का आकार गोलाकार होता है वो किस कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था, वर्षा का जो बूंद का जो आकार होता है वो किस गोलाकार जो होता है आखिर किस कारण से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6, यानी कि 1/6 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। देखिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है, ये प्रश्न आया था आपका, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो विकिरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण, ओके। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, तो अगला प्रश्न आपका है, NaOH सूत्रों वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, यह आपका प्रश्न पूछा गया था। कई ऑप्शन आपके पास दिया होगा, तो परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो पूरा सही से आपको ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जो प्रश्न छात्र हम तक भेजते हैं उसी के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कास्टिक सोडा। यह प्रश्न कई एग्जामों में आया हुआ है, और ध्यान रखिएगा परीक्षा का जो इस बार जो पैटर्न रहा है, जो प्रश्न हमने अभी तक देखा है, वो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, चाहे वो आपका किसी भी एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा हो, वो प्रश्न रिपीटेड हो रहा है। खास करके जीके में आपका जो प्रश्न है वो रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे जनरल साइंस जो प्रश्न पूछा गया वो रिपीटेड प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। तो अगर आपका आने वाले शिफ्ट परीक्षा है तो फिर आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको देख करके जाइएगा। आई होप उसमें आप कम से कम 50% कर लोगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा, और जिस प्रकार से अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है। हालांकि एसएससी धीरे धीरे से पैटर्न यहाँ पे चेंज भी करती है, लेकिन NaOH जो सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम सामान्य नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा, आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आपका जो अगला प्रश्न है वो है लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, यह आपका प्रश्न पूछा गया था और इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल। निकेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हो सकता है यही प्रश्न आपका अगले डेट में मैच कर जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है और क्वेश्चन घूमते रहेगा, इसलिए जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है उसको आप जरूर देखिएगा, आप एनालिसिस कीजिएगा कि आप कहाँ पे हैं। तो लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, आंसर हो जाएगा आपका निकेल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ, मानव शरीर में तांबा धातु कि जो मात्रा अगर बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ये आपका सवाल पूछ दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्सन बीमारी। जी हाँ, अगर मानव के शरीर में तांबा धातु की वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि जब हो जाएगा मानव के शरीर में तांबा धातु की, तो उसका सबसे यहाँ पे जो भी बड़ा बीमारी होगा वो आपका होगा विल्सन बीमारी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा विल्सन बीमारी हो जाएगा अगर मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि हो जाएगी तो। ओके, हम लोग पूरे क्वेश्चन को समझाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आपका अगले शीट में एग्जाम है तो आप पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्या कुछ है, तो आपका अगला जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट जो हम लोगों तक जो पहुँचाए जिस प्रकार से वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ दो मैथ क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो अभी अभी हमारे पास अभी आया, तो मैं उसको भी डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पे आपके समक्ष। मैं पूरा उसको मैं संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करूंगा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है, ये प्रश्न जैसे स्टूडेंट हमारे पास भेजे अभी जैसे लाइव हमारे पास आ रहा है उसी तरह से आपको प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे देखिए एक और कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, पूरा समझा पाना पॉसिबल नहीं, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, आप खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी तक हमारे तक ये पहुँचा हुआ है, ये यहाँ पे MP दिया है, यानी कि मार्क प्राइस आपका 224 है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट है वो आपका 28% डिस्काउंट है। ओके, प्रॉफिट 12% है, तो CP आपका पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप किसी भी जगह पे अगर आप इसको ट्रिक को अप्लाई करो तो आपका बहुत ही आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। 12% प्रॉफिट है, दैट मीन्स 112%। ओके, अब देखिए अगर आपने शॉर्ट मेथड का ट्रिक पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए 4% इज इक्वल टू होता है 1/25, ठीक है। ये कैसे आया, तो 4% हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, तो ये आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से 4% आपका है जब यहाँ पे 1/25, तो आपको 12% निकालना था, ठीक है। तो 12% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इसका कहने का मतलब है तो 112/100 अभी यहाँ पे आपका निकल जाएगा। और ध्यान रखिएगा नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो 100% हो ओरिजिनल अपने आप में वो आपका CP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल है, 100 था 112 हो गया क्योंकि 12% का वृद्धि हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं ताकि आप कहीं भी इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहां पे कह रहा है साफ साफ कि 12% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 था हमारे पास तो 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व जब आप इसको कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका जो अंतर है वो आपका 12 का अंतर है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कह रहा है आपके आपको चिक चिक करके कि 100 था 12 हो गया, यानी कि 100 रुपया में आपका जो था कोई सामान आपने ख़रीदा था उसमें 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, 112 हो गया, यानी कि इसका जो अंतर है वो आपका 12 है। तो दैट मीन्स CP जो होगा इसी डेट में होगा, तो यहाँ पर CP आपसे अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर पूछा है कि मार्क प्राइस इतना है, उसके बाद डिस्काउंट इतना है, तो फिर डिस्काउंट के लिए 28% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा किस चीज़ पे होता है, तो याद रखिएगा डिस्काउंट आपका जो होता है वो जितना टोटल आपका मार्क प्राइस होता है उस पर होता है। तो डिस्काउंट के लिए 28% डिस्काउंट देना है, तो 100% में 28% डिस्काउंट देना है, तो आप 100 में 28 माइनस करो 72 आ जाएगा, उसके बाद अपॉन 100 रहेगा। उसके बाद 72 को आप देखो इससे कितने बार में ये कट रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको ऑल ओवर काटा जाए
तो आप इसको डिवाइड कर लेना, ये लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आपका यहाँ पे समय ले लेगा, इसलिए आप इस चीज़ को देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। आपका अगला प्रश्न क्या था, ये बहुत ही ईजी प्रश्न था। आपका प्रश्न था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स गुने वाई इज इक्वल टू 45 और देन द फाइंड ऑफ एक्स के पावर क्यू माइनस वाई के पावर क्यू। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप इसमें पुटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। पुटिंग मेथड बोलने का ये मतलब कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कीजिए। अक्सर इस तरह का मेथड अप्लाई करिए तो आपको समय बच जाएगा। आपको करना क्या कि कुछ ऐसा वैल्यू लो जो यहाँ पे एक्स और वाई का मान लो कि जो माइनस करने पे 4 ला दे और गुना करने पे 45 ला दे। तो इस लॉजिक सी बात है यार, आप इसमें दिमाग लगाओ कि अगर हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 9 × 5 करेंगे, 9 × 5 = 45 आपका इजीली आ गया है, और फिर अगर इसी में माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 भी आ जा रहा है। अब रह गई बात, तो यहाँ पे सिंपली मेरा आ गया कि एक्स को हम 9 लेते हैं और वाई को 5 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, 9 के पावर क्यूब कर देना है, उसके 5 के पावर क्यूब कर देना है, इज इक्वल टू क्या होगा, ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली बना लो। 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 9 का क्यूब कितना होगा, 810 लगभग शायद होगा, उसके बाद माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो ये देखो, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो क्यूब स्क्वायर ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करोगे 9 × 9 तो 9×9 = 81, फिर 9 × 9 = 9 और 9×8 = 72 तो 700, इस तरह से तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इस सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला प्रश्न था 10θ = 5/6। देखिए 10θ इज इक्वल टू क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद फाइंड द, आपका पूछा था sin θ + cos θ, sin θ − cos θ। इस तरह का जब मैं चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो कई सर आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप खुद से समझ सकते हैं, ये बहुत ही ईजिली होता है। इसमें करना क्या होता है, आपको एकदम सॉल्व करना होता है बहुत ही ईजी वे में। ईजी वे में कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे भी देखोगे तो साइन अपॉन में कॉस इज इक्वल टू 10θ होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया 5, ये हो गया आपका cos 6, ठीक है। तो साइन के जगह पे 5 ले लो, तो 5 + 6 = 11 और 5 − 6 तो 11 माइनस इस तरह से कुछ आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली होता है, क्योंकि 10θ इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और या फिर आप इसको इस ऐसे भी कर सकते हैं, 10 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसके बाद आप एच निकाल करके फिर यहाँ पे पुट करके बना सकते हैं बहुत ईजिली। लेकिन आप ईजिली इस मेथड को यूज़ कीजिए कि 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, तो साइन का वैल्यू क्या है, इस तरह से बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा कि मॉडरेट प्रश्न आया था, ओके। उसके बाद एक जो प्रश्न है आपका, ये क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि इफ़ a + b = 45° देन द फाइन ऑफ वैल्यू, आपको पूछा था कि 2 1 + 10a ((1 − 10a)। देखो बहुत ही ईजी प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न सॉल्व करने का आपको जो तरीका होना चाहिए बहुत ही ईजी होना चाहिए। इसको आप क्या करो कि कुछ ऐसे वैल्यू में तोड़ो जो आपका 45° ला दे, चाहे माइनस करो या प्लस करो। तो यहाँ पे अगर हम 30° और यहाँ पे 15° रख ले तो आपको 45° आ जाएगा, या फिर आप कुछ और ट्रिक अपना सकते हो। तो मतलब मोटा मोटी आपको मैंने कहने का मतलब ये है कि 45° आपका यहाँ पे a + b = आना चाहिए, इक्वेशन है, जिसे पुटिंग मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बनाया होगा। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही ईजी आ रहा है, प्रैक्टिस अगर आपका है तो फिर आई होप आपका बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आने की संभावनाएँ बन सकती हैं, क्योंकि ये सब जो प्रश्न का लेवल है जो भी हम तक पहुँचा, और भी कई प्रश्न पूछ बताया जा रहा है कि सर अगर प्रैक्टिस में हम लोग रहते तो और भी अच्छा करते। तो ये सब जो प्रश्न पूछा गया जो आपको दिख रहा होगा बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्नों का, या फिर व्हाट्सएप पे आपके पास और कुछ प्रश्न होगा तो आप भेजिएगा, उसको हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियरली चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है किस तरह से मैथ के प्रश्न थे, और जो रीजनिंग के जो प्रश्न हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ। रीजनिंग का जो प्रश्न अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन जो हमारे हमसे बात हो पाया छात्रों का, उसके अनुसार उनका कहना है कि सर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ज़्यादा प्रश्न आपका डाइस का पूछा गया था, डाइस का प्रश्न पूछा गया था, और उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया था पाई चार्ट के रिगार्डिंग एक प्रश्न था, और एक लास्ट में अंतिम प्रश्न ये था, एक इस तरह से स्क्वायर बना हुआ था इस तरह से, और यहाँ पे ए का मान बी सी डी इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लिखा गया था, मैट्रिक्स इसको बोलते हैं,
मैट्रिक्स टाइप में प्रश्न था और ये आपका पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न था, बाकी रीजनिंग में तो नॉर्मली आप लोग कर ही लेते हो, कुछ वैसा हार्ड नहीं था। बाकी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, वो सब आप लोगों को प्रैक्टिस होगा। तो जो प्रश्न नहीं आ पाया उसको मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो हमारे पास आ पाया उसी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर एग्जाम आज हुआ होगा तो आप भी प्रश्न को नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका आने वाले किसी भी डेट में एग्जाम है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप वहाँ पर जाकर के हमसे प्रश्न भेज सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसका 100% सोल्यूशन सही उत्तर के साथ आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें अप्रिसिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द अब कि सेंटर पर भी जाकर के छात्रों से रिव्यू लिया जाए कितना अटैम्प्ट किया गया, ताकि जो कटअप होगा उसको बनाने में आसानी रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।